आज की इस वीडियो में मैं आपको धानुका की कवकनाशी पेशकश गोरीवा सुपर के बारे में बताऊंगा, जिसमें एजॉक्सी स्टोबिन 18.2% तथा डाइफेनोकोनाजोल 11.4% एससी फार्मुलेशन में पाया जाता है। गोरीवा सुपर का प्रयोग किन किन फसलों में किन किन रोगों के लिए किया जाता है, इसके प्रयोग की क्या मात्रा है और कितने दिन तक फसलों में इसका असर रहता है, इत्यादि सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। गोरीवा सुपर दो तकनीकी के संयोजन से बनी दोहरी प्रणालीगत व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी है, जो सुरक्षात्मक और उपचारात्मक रूप से फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा करके फसलों को हरा भरा व स्वस्थ बनाने की काम भी करती है। साथ ही इसमें ट्रांसलैमिनर गुण भी पाए जाते हैं, जिससे यह पत्ती के ऊपरी सतह पर पड़ने पर पत्ती के निचले सतह तक आसानी से पहुंच जाती है और सभी प्रकार के दिख रहे और छुपे हुए कवकों को नष्ट कर देती है। बात करें गोरीवा सुपर के मोड ऑफ एक्शन की, तो यह कवक के झिल्ली बनने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है और इससे कवक रोगों को नियंत्रण प्रदान करता है। बात करें इसका किस किस फसलों में प्रयोग करते हैं, तो धान, गेहूं, मक्का, आलू, मटर, टमाटर, लौकी, तोरी इत्यादि फसलों के साथ साथ ऐसी फसलें जिनमें ब्लास्ट, सीड ब्लाइट, रस्ट, डाउनी मिल्डो, पाउडी मिल्डो, अर्ली ब्लाइट, स्विफ्ट ब्लाइट, एंथ्रानॉक्स, रतुआ रोग, कंडवा रोग, फाल्स स्मट जैसे रोगों की समस्या पाई जाती है, उन सभी में प्रयोग किया जाता है। बात करें इसके प्रयोग के मात्रा की, तो इसका प्रयोग आपको 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ करना है। हालोकोन नाजिल या फिर सावर नाजिल लगी हुई मशीन से आप इसका छिड़काव करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो ब्लू लेवल की हमें मिलती है। इसका जो वेटिंग पीरियड है, यानी कि एक बार दवा छिड़काव करने से जो इसका पौधों में असर रहता है, वो अनाज वाली फसलों के लिए 31 से 35 दिन का होता है और सब्जी वाली फसलें जो हैं उनके लिए 5 से 7 दिन का ही होता है। तो आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप टू नेवर मिस एन अपडेट।